मान के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के दो दिन बाद क्रांतिकारी भगत सिंह की उनके कार्यालय में लगाई गई तस्वीर को लेकर विवाद छिड़ गया है। पीले रंग की पगड़ी में भगत सिंह की इस तस्वीर पर आपत्ति जताई जा रही है। भगत सिंह के परिवार के मुताबिक उनका विजन मायने रखता है, ना कि तस्वीर में उनकी पगड़ी का रंग। पंजाब के सीएम भगवंत मान शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। भगवंत मान ने कहा था कि वे ऐसा पंजाब बनाना चाहते हैं जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था। भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह भी शहीद भगत सिंह के गांव खटकंड कला में आयोजित किया गया था। शोधकर्ताओं के मुताबिक सीएम दफ्तर में लगाई गई भगत सिंह की फोटो प्रामाणिक नहीं है, बल्कि केवल एक कल्पना है। दिल्ली के भगत सिंह रिसोर्स सेंटर के मानद सलाहकार और स्वतंत्रता सेनानी पर कई किताबें लिख चुके चमन लाल जी कहते हैं, हमने कई बार स्पष्ट किया है कि भगत सिंह ने कभी बसंती या केसरी पगड़ी नहीं पहनी, यह सब कल्पना है। चमन लाल ने बताया, हमारे पास भगत सिंह की केवल 4 ओरिजिनल तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में वह जेल में खुले बालों में बैठे हुए हैं, दूसरी फोटो में वह टोपी पहने हुए हैं और अन्य दो तस्वीरों में भगत सिंह सफेद पगड़ी में दिखाई दे रहे हैं। पंजाब चुनाव के नतीजों से पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान ने ऐलान किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री की फोटो लगाने की परंपरा से अलग हटकर भगत सिंह और डॉक्टर बीआर अंबेडकर की तस्वीरें सरकारी कार्यालयों में लगाई जाएंगी। कॉमेडियन से राजनेता बने भगवंत मान राजनीति में आने के बाद से ही बसंती पगड़ी पहनते हैं और अपने लगभग हर भाषण में भगत सिंह का जिक्र करते हैं। वे अपना भाषण इंकलाब जिंदाबाद के साथ समाप्त करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी के दिए गए इस नारे को भगत सिंह द्वारा और भी लोकप्रिय बना दिया गया था। इस बीच उनकी बहन बीबी अमर कौर के बेटे भगत सिंह के 77 वर्षीय भतीजे जगमोहन संधू कहते हैं कि बहस महत्वहीन थी और पंजाब और पूरे देश के लिए उनके दृष्टिकोण का कार्यान्वयन क्या मायने रखता था। युवाओं को जातिवाद की बेड़ियों से मुक्त करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना करने वाले भगत सिंह के दृष्टिकोण का कार्यान्वयन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।